आदरणीय बहन किरण बेदी मुझसे कह रही थी, बोले बाबा कुछ लोग कह रहे हैं क्या सारा एफडीआई से काला धन आया है? करीब 80% आया है, जो 20% ईमानदारी से काला धन आया है उस पर विरोध नहीं है, लेकिन परंतु ये 80% करीब 80% जो बेईमान लोग लेके आए हैं, ये इनका अधिकार नहीं, ये देश का अधिकार होगा, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना पड़ेगा, उसके ओनर वो लोग हैं। विदेशी पूंजी निवेश, ये दूसरा बिंदु, दो ही बात है। अपन तो भाई देखो गांव के आदमी मोटी मोटी बात समझते हैं और मोटी मोटी बात कहते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट हमसे बहस कर सकता है, लेकिन खूंटा ढोका आदमी है, आज खूंटा ढोका है दिल्ली में, कल को खूंटा ठुकेगा पूरे हिंदुस्तान में, और किसी के माई के लाल की हिम्मत उखाड़ देना। और सुन लो भाई, विदेशी पूंजी निवेश एफडीआई के नाम पर जो देश में धन आया है, उस धन के मूल स्रोत व वास्तविक मालिकों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का कानून और प्रावधान सरकार को तुरंत करना चाहिए। इससे एक तो काला धन जमा करने वालों को प्रामाणिक रूप से पता लग सकेगा और इन्हीं लोगों का देश व विदेश में एफडीआई के अतिरिक्त जो अन्य अवैध धन व संपत्ति है उसका भी पता लग सकेगा, वह देश को पूरा 400 लाख करोड़ काला धन मिल सकेगा। इससे देश में आर्थिक पारदर्शिता, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये दो ही तो बातें। अरे भाई तुम्हारा काला धन नहीं है तो काले धन को देश को दिलाने में तुम्हें आपत्ति क्या? तुम्हारा एफडीआई में काला धन नहीं है तो तुम्हें उसके मूल मालिकों और मूल स्रोतों के बारे में बताने में दिक्कत क्या है? तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल बनाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? वो मनवीर चला गया, कारण महल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। वो कविता मनवीर की है भाई, बाबा की नहीं है। रहे उसका अभिप्राय समझ लेना। ये इस पत्र पर हस्ताक्षर लेने के लिए हम जाएंगे। प्रधानमंत्री का पत्र सब मीडिया के भाइयों को दिया गया है। हमने गडकरी जी से भी बात की, उनसे भी कल मिलने वाला हूं। जिन्होंने टाइम दे दिया उनके मैंने नाम बता दिए हैं, जिन्होंने नहीं टाइम दिया उनसे हम टाइम शालीनता के साथ लेंगे। देखो अभी बात की जा रही थी कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की टीम में फिर से जंग शुरू। क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा नाम मत लो, अन्ना हजारे साहब ने 6 विकेट ले लिए बिना नाम लिए ही। तो ना, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हम भी कभी कभी नाम लेते हैं, लेना भी पड़ता है। भाई केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, नाम लेना भी पड़ता, हम भी लेते कभी कभी, लेकिन आज का हमने प्रोटोकॉल बनाया था जिससे कि क्या होता है, अब जैसे मैंने क्यों बनाया था प्रोटोकॉल कि आज हम नाम लेंगे तो बात दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और बात होगी डाइवर्ट। जब से नाम लिए गए तब से नामों की लड़ाई शुरू होगी, काला धन और भ्रष्टाचार और लोकपाल गया पहाड़ में, ये गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हम काला धन वालों के नाम बताने में हमको कोई गुरेज नहीं है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका नाम लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं सबसे कहूंगा, आज भाई अरविंद ने नाम लिए उससे भी हमें गुरेज नहीं है, लेकिन मैंने कहा बात कई बार डाइवर्ट हो जाती है दूसरी तरफ, इसलिए वो यदि नाम भी लेते रहे और हम 99% बिना नाम के काम करते हैं, कभी कभी तो हम भी ले देते हैं, लेकिन आज प्रोटोकॉल ऐसा बनाया था, इसलिए इसको कोई मतभेद ना समझे। ये तो बात को कहने का थोड़ा तरीका अलग अलग हो जाता है कई बार। जैसे आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने कोई नाम लिया और सारी बात कह दी, तब बात ऐसी कहो मारो वीर पता ना लगने दो, अपने देश की कहावत है, ऐसे गुम चोट मारो बाद में मालिश करता रहे अपने। मैं अपने तो देसी आदमी, देसी बात समझ में आती है। दूसरी बात, और एक और अफवाह फैला दी, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का साथ छोड़ के केजरीवाल बीच में भागे, ऐसी ऐसी धारदार बात चलाते हैं कुछ लोग, से पता नहीं क्यों हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, अरविंद की तबीयत थोड़ी ढीली थी, आदरणीय अन्ना हजारे साहब और हमसे वो अनुमति लेके गए हैं,
वो भागे नहीं हैं, वो जागे हुए हैं। एक बार अरविंद जी का भी अभिनंदन कर दीजिए। अब बात कहने के तौर तरीकों को लेकर के कोई इसमें घर में भी तो बाप बेटे की, गुरु शिष्य की, कई बार बात कहने के तौर तरीकों को लेकर के कोई बात रोज होती रहती है, ये कोई विवाद का मुद्दा थोड़ी है। और समझो, सुन लो भाई, जहां बुद्धिमान लोग रहेंगे वहां थोड़ी बहुत खटपट होगी, ये थोड़ी बहुत होगी। अरे थारे घर में बर्तन है, चम्मच है, कटोरी है, थाली है, धोते हो तो बसती है कि नहीं बनती? टनाटन बसती है, लेकिन इतनी मत बजाइयो कि टूट जाए। इसलिए भाई ये तो थोड़ी बहुत तो चलेगी। शालीनता के साथ हमें आंदोलन करना है, इसलिए जितना हो सके उतना हम मुद्दों से बहस ना भटके इसके लिए कोशिश करते रहें। और एक अच्छा, हमने किसी पार्टी का नाम लिया सुबह से, बताओ भाई, मैंने किसी पार्टी को नाम लियो? तो नाम ना लियो तो एक पार्टी के पेट में दर्द क्यों हुयो? मैंने तो नाम नहीं लियो और वो पार्टी का पेट में दर्द क्यों हुयो? बोलो तो। एक ही पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है और यूं कह रहे इनकी साख गिर रही है। अरे मारी तो गिर रही है कि उठ रही है, तुम्हारी तो राख हुई पड़ी है। साख गिर रही है। फिर दूसरो बोलियो कि यो बाबू और यो अन्ना, यो बाबा जी और यो अन्ना जी देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बोलो भाई, हम कोई साजिश कर रहे हैं क्या? भाई जो हम काम कर रहे हैं इसमें कोई साजिश नजर आवे थाने? फिर कौन सी साजिश कर रहे हैं भाई? कौन सी क्या बोला अंग्रेजी में इसने? कॉन्स्पिरेसी। यूं कहे साजिश कर रहे हैं ये जंतर मंतर पर बैठ के, हम कौन से मंतर मार रहे हैं भाई? साजिश ये करे देशद्रोहियों को बिरयानी ये खिलाए, और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को देश के खिलाफ साजिश रचने वाले देशद्रोही बताए। ये कहते हैं हम लोकतंत्र, अभी बयान आयो इस पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगा इस पार्टी को कई दिन तक, और घना परेशान करेगा तो ले भी दूंगा भाई, हम अपनी तरफ से पंगा मोल नहीं लेंगे। और भाई कोई सामने से सींग मार रहे तो फिर देख भी लेंगे। हमने आपसे कहा हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा, और ये काम हुआ। यूं बोले बाबा इस बार फिर तैयार रहियो, इधर भी लगे हुए 2-3 हजार, उधर भी लगे हुए हैं। और बोले 6 बजे के बाद 1 मिनट बेटा रुक गए ना, फिर देख लेंगे। मन का हम भी देख लेंगे। इसका मतलब कोई लड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, हम पहले ही चले जाएंगे। भाई वो 1 मिनट में पंगो क्यों करनो? भाई हमारा पंगा कोई पुलिस से थोड़ी है, हमारा पंगा तो काला धन लाने से है, हमारा पंगा तो मजबूत लोकपाल बनाने से है, कोई पार्टी से हमारा। अच्छा बताओ, पार्टी से हमारा और इन नेताओं से हमारा कौन सा खानदानी बैर है? अरे हम खानदानी किसान हैं, हम खानदानी किसान हैं और कर्म से सन्यासी हैं। और किसान और सन्यासी होने से पहले हम सब भारतवासी हिंदुस्तानी हैं, जो हमारे कल्प ऋषि दिशा ने कहा। तो भाई यूं बोले ये तो साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कैबिनेट में रहते रहते 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला हो गया, 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आदर्श घोटाला। और घोटालों का नाम क्या बताएं, इसमें तो है बहुतों का मुंह काला। और जब कोयला का हुआ महा घोटाला,
करीब 50 बिलियन टन। जोर से बोलिए तो कितना, इसकी कीमत बताए कितनी है? करीब 200 लाख करोड़। कितनी? किसकी संपत्ति है? हमारी है, ये देश की संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है। उसने बेच दियो, लोकतंत्र को खुद कमजोर कर रहे हैं। याद रखना, मैं प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूं, बड़े बड़े लोग यहां पर बैठे, हमारे वैदिक जी साहब से लेकर के तमाम लोग हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं। आजादी के 64 वर्षों के इतिहास में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आज जैसे कमजोर लोग बैठे हैं, इतिहास में इतने कमजोर लोग कभी नहीं बैठे। मैं किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहा हूं, और व्यक्ति हमारा टारगेट भी नहीं है। देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, उसकी शान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। कितने लोग हैं, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स कम जानूं, इसलिए नाम थोड़े कम आते हैं मुझे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब, कोई माई का लाल बता दे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1 रुपए की बेईमानी की हो। और अंबेडकर साहब ने तो विदेशी पूंजी निवेश का एफडीआई का भी विरोध किया था। हमारे देश में किस बात की कमी है भाई बहनों? तो कल से क्या काम शुरू होगा? हम जाएंगे लोकसभा सदस्यों के पास, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, पार्टियों के लीडरशिप के पास, और हमारे जिले के कार्यकर्ता जाएंगे अपने एमपी के पास, और हमारे गांव सभाओं के, गांव आंदोलन समितियां जो बन रही उनके कार्यकर्ता जाओगे ग्राम सभाओं के पास, और सारे लेकर के आएंगे 8 अगस्त को। और 8 अगस्त को ये काम नहीं हुआ तो 9 अगस्त से अगले आंदोलन की आज घोषणा करते, भारत छोड़ो के दिन। आदरणीय अन्ना हजारे साहब से भी हमने बात की, और सभी संगठन के लोगों से, और खाली अभी अभियान केवल भारत स्वाभिमान का, केवल ये अन्ना हजारे साहब का नहीं, ये अभियान देश की सभी सामाजिक आध्यात्मिक राजनीतिक संस्थाओं का बने, हमारी अपेक्षा है सब इसमें जुड़ेंगे। तो ये अगली घोषणा कल से शुरू हो जाएगा, 4 जून से आंदोलन की तेज धार होगी। और अगला आंदोलन कब होगा? 9 अगस्त को। सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय। और भगवान की कृपा देखो, कल बादल बरसाए और आपको जाते जाते आज फिर भगवान आशीर्वाद देने के लिए आकाश में प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए ना। अभी मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद सपन गाऊंगा, फिर भेजूंगा। सुनो, हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं भाई वैद्यनाथन जी, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा, फिलीपीन से 3,120 करोड़ रुपए फिलीपीन का आ चुका है, फिलीपीन का काला धन। पेरू का करीब 400 लाख रुपए, नाइजीरिया का करीब 2,500 करोड़ रुपए, जूस का हिटलर के समय से लूटा हुआ 1,00,000 करोड़ रुपए वापस ले लिया है, ट्यूनिशिया का 3,100 करोड़ रुपए वापस आ चुका है, इजिप्ट का करीब 3,50,000 करोड़ रुपए वापस आ चुका है, और गद्दाफी का करीब 10,00,000 करोड़ रुपए चुका है, कुछ वापस आ जाएगा। जब गद्दाफी का 10,00,000 करोड़ रुपए आ सकता है तो हमारा 400,00,000 करोड़ रुपए भी वापस आएगा, और हिंदुस्तान के किसानों को, जवानों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, बच्चों को, दलितों को, वाल्मीकियों को, वनवासियों को, सबको न्याय मिलेगा, देश की तरक्की होगी, खुशहाली होगी। ये पूछते हैं पार्टी वाले कि बाबा जी इसका स्रोत बताएं। सुबह से यहां चिल्ला चिल्ला के मर गए, स्रोत बताते बताते इन बेईमानों को दिखाई नहीं देता, लूट करके आंख बंद करके फन फैलाए बैठे हैं। अरे 1,00,000 करोड़ रुपए से 1,00,000 टन से ज्यादा गोल्ड किन्ने